दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 CSBC की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और एडमिट कार्ड के साथ देखिएगा तो एक नोटिस भी जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, इस बार दोस्तों बड़े बदलाव के साथ परीक्षा हो रही है और आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एक गलती के कारण से आप सीधे बाहर हो सकते हैं। आप इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो और फिर अपनी ओर से कोई भी गलती कीजिएगा तो बाहर हो जाइएगा, तो फिर एग्ज़ाम देने का मतलब क्या। सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ हुआ है, आप किस जिला से हैं, कितना दूर आपका सेंटर हुआ है। आप देखिएगा तो पहले कुछ परीक्षाओं में सेंटर जो है उत्तर वालों का, दक्षिण पूर्व वालों का, पश्चिम इस तरह से दिया जाता था। CSBC की ओर से इस बार देखिएगा तो होम सेंटर नहीं दिया गया और बहुत दूर भी नहीं दिया गया है, जिससे स्टूडेंट को आने जाने में परेशानी ना हो। आपका कितना दूर सेंटर हुआ है फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए और जो भी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अभी देखिए आप सभी इतनी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सबसे मेन है रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन तक आपको पहुंचना है, हर हाल में मेरिट तक पहुंचना है, तो कोई भी अपनी ओर से गलती नहीं करना है जिससे आप बाहर हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बताए थे। आप देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए, जिसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, फॉर्म का प्रिंटिंग नहीं पता है। पिछली बार एडमिट कार्ड जारी किया था तो उसमें अगर आपके पास एडमिट कार्ड है भी तो उसमें देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रोल नंबर है, तो रोल नंबर से डाउनलोड नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर चाहिए। तो कल देखिएगा जब एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो आप लोगों को बताया था कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, मोबाइल नंबर के लिए आपको एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह से दोस्तों मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है या फिर मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ दीजिए। मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से भी सबमिट करने पर आपका डिटेल्स आ जाएगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ हुआ है और किस तारीख को आपकी परीक्षा है, यानी किस जिला में आपका सेंटर हुआ है और डेट यहाँ से आप सभी देख सकते हो। फाइनल एडमिट कार्ड फिर से यहाँ पर जारी किया जाएगा, जो यहाँ पर देखिएगा आप एग्ज़ाम डिटेल्स चेक कीजिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि आप इस तारीख से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम सेंटर, फोटो, ये सब सारा कुछ दिया हुआ रहेगा। अभी दोस्तों आप लोगों को जो बताने वाले हैं सबसे मेन यहाँ पर है कि जो आपको गलती नहीं करना है उससे रिलेटेड है, क्या क्या बदलाव हुआ इस बार इसके बारे में चलिए यहाँ सबसे भी फुल डिटेल्स में देखिए। तो यहाँ पर चलिए रिटर्न एग्जाम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो नोटिस है यहाँ पर देखिएगा, तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ से एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से आप सभी देखिए, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखिएगा जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको यही लगेगा कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, ये सबके साथ होता है। जैसे एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट आता है तो फिर यहाँ पर समझ में नहीं आता है क्या करें। अभी देखिएगा सबसे पहले तो ये है कि CSBC की ओर से सिलेबस अपडेट किया गया, तो आप सिलेबस को लेकर डरिए मत। हम आप लोग जो तैयारी करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखिएगा हर कुछ ये नहीं है कि न्यू सिलेबस के अनुसार ही आएगा, कुछ फिक्स सब्जेक्ट है, कुछ फिक्स टॉपिक है जो न्यू सिलेबस के अनुसार आएगा और कुछ चीज़ें हैं कि जो पुराने जिस तरह से पैटर्न चला रहा है उसी अनुसार आएगा। तो आप लोगों को जो सिलेबस अपडेट किया गया उसको हल्के में नहीं लेना है पहला चीज़। अब देखिए अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा तो होगा क्या, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको 40-50 क्वेश्चन तो लगेगा कि हाँ 50 क्वेश्चन हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, बाकी क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया ये सब तो कुछ जानते ही नहीं है, लोकतंत्र ये सब चीज़ें। अभी देखिएगा कंपटीशन वाले एग्जाम में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते जिसमें अनुच्छेद से रिलेटेड, इसमें क्या होता है दोस्तों जनतंत्र, लोकतंत्र, इसके बाद देखिएगा विश्व इतिहास से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब चीज़ें पूछा जाता है। हम आप लोगों के लिए देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न देखिएगा CSBC की ओर से चेंज किया गया है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ ये नहीं है कि पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है इसका आप लोगों को जो भी टॉपिक है, जैसे देखिएगा अर्थव्यवस्था एवं विकास है, राष्ट्र किया, राज्य किया, मुद्रा, बचत, साख, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए इसमें जो भी सिलेबस का चैप्टर दिया हो इसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पर करवाए हैं। अब देखिए आपके पास उतना समय नहीं है, बुक देखिएगा 200-200 पेज का, और 200-200 पेज पढ़ने के लिए कम से कम आपको एक ही बुक कंप्लीट करने में 15 दिन लग जाएगा, फिर इसी 15 दिन में आप 10-10 सब्जेक्ट है कैसे कंप्लीट होगा। तो शॉर्ट नोट्स में दोस्तों जो भी चैप्टर देखिएगा 20-20, 25-25 पेज का, इसका दो से एक दो पेज तीन पेज में जो भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोग इसमें प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप सभी बस इतना पढ़ लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा विश्व इतिहास से रिलेटेड है, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये देखिएगा तो बस यहाँ पर 2-3 पेज का शॉर्ट नोट्स है और इसमें जो भी चैप्टर दिया हो उसका निचोड़ जो होता है, जितने फैक्ट होता है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। और देखिए अगर आप कोर्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए और आप एप्लीकेशन पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, इसमें कुछ कंटेंट फ्री में है तो आप सभी वहां पर देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। प्राइस बहुत कम कर दिया, आपके पास लास्ट समय है तो एक महीने से भी कम समय आप सभी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। और देखिए पहला चीज़ तो ये हो गया, दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ से आप सभी चलिए देखिए CSBC का देखिएगा यहाँ पर उत्तर पत्रक में है OMR सीट से संबंधित निर्देश दिया हुआ है। तो देखिए इस बार क्या है, बिहार दरोगा में देखिएगा PT एग्जाम का जो रिजल्ट आया था तो उसमें मात्र 6 लाख स्टूडेंट में 22,000 स्टूडेंट देखिएगा सीधे OMR सीट गलत फिलअप करने के कारण से रिजेक्ट हो गया। तो देखिए इसमें सिर्फ OMR सीट ही नहीं, हिंदी राइटिंग,
इंग्लिश राइटिंग, दो दो राइटिंग इसमें लिखना रहता है, फिर सिग्नेचर करना रहता है, अटेंडेंस सीट पर, बायोमेट्रिक, ये सब कुछ। तो आपको हर एक चीज़, ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम हॉल में गए और एडमिट कार्ड लेकर अपना OMR सीट लेकर बैठ के एग्जाम देने लगे और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब भी आएगा यहाँ पर अटेंडेंस बनवाने के लिए तो उसमें आपको अटेंडेंस, इसके बाद हिंदी अंग्रेजी में अनुच्छेद लेखन, क्वेश्चन बुकलेट सही तरीके से फिलअप। अब आप सोच सकते हैं बिहार पुलिस में 18 लाख स्टूडेंट है, इसमें लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट देखिएगा बिहार दरोगा के कंपेयर में 3 गुना 4 गुना स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। तो आप सभी अगर अच्छे तरीके से OMR सीट सब कुछ फिलअप कीजिएगा तब तो आपका OMR सीट चेकिंग होगा। तो यहाँ पर देखिएगा CSVC की ओर से OMR सीट अटैच किया गया है। यहाँ पर हिंदी अथवा अंग्रेजी में इस तरह से भाषा लिखना है, इसमें एक ही लैंग्वेज में लिखना है, दरोगा में दो रहता है। तो इस तरह से आपको कोई एक हिंदी या अंग्रेजी में किसी में इसमें राइटिंग लिखना है। ये राइटिंग कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ रहेगा, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में अपने राइटिंग में लिखिए। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट ये सब चीज़ें दिया हुआ है, तो सही तरीके से आपको फिलअप करना है, फिर सिग्नेचर, और इसके बाद अटेंडेंस सीट पर सिग्नेचर, ये सब सारा कुछ करना है। ये हो गया दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट कैसे क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से तो आप लोगों की परीक्षा के बारे में तो पता ही है, 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त। अब यहाँ पर देखिएगा रिपोर्टिंग टाइम जो इस बार 9:30 बजे से है और 12 से 2 बजे के बीच में बीच का दोपहर का समय रखा गया, परीक्षा का 2 घंटा का समय है। निगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोगों का डाउट रहता है, इस एग्जाम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग CSVC की ओर से नहीं रखा गया, यानी आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। देखिए ये दूसरा चीज़ ये है कि इसमें परसेंटाइल वाला नियम लागू है, तो परसेंटाइल में क्या कुछ करना है आगे इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी जाइएगा देने के लिए, तो इसमें देखिएगा आपके लिए जो ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल करके लेकर के जाना है। अभी एग्जाम डिटेल्स है, एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर आपका फोटो सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो एक फॉर्म यहाँ पर इसी नोटिस के साथ अटैच है, ये फॉर्म आपको ले जाना है। ये वैसे कंडीशन में आपको ले जाना है जिस कंडीशन में आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपका सबसे लास्ट में इसी नोटिस के साथ अटैच है घोषणा पत्र, अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है एडमिट कार्ड पर, फोटो क्लियर नहीं है तो फिर पहचान कैसे होगा कि आप ही है या कोई और, इसीलिए यहाँ पर डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र CSVC की ओर से लिया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा और चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी, तो परसेंटाइल, सिलेबस, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ से दिया हुआ, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिएगा तो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया और इसलिए इस नोटिस में बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या पुराने पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर सिलेबस इसलिए अपडेट किया गया है कि बाद में स्टूडेंट ये ना कहे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि CSVC की ओर से कहा जाएगा हम तो सिलेबस अपडेट कर दिए थे, स्टूडेंट उस अनुसार तैयारी ही नहीं किए तो फिर रिजल्ट कैसे होगा। इसलिए आप लोगों को अपडेटेड सिलेबस के अनुसार फुल तैयारी करके जाना है और आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए। हम आप लोग जो तैयारी करवा रहे हैं 2D पॉइंट तैयारी करवा रहे हैं, टॉप 500 कंटेंट, वीडियो, PDF, नोट्स, टॉप 2200 VVA वन लाइनर, GK करेंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, मैथ, रीजनिंग, जितने भी तरह का यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। पिछली बार देखिएगा 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछ दिया गया था। जनरल कंपटीशन है, समान अध्ययन लिखा हुआ रहता है सिलेबस में, इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कंप्यूटर तो नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में देखिएगा तो लास्ट में ये ऐड किया गया समान ज्ञान, तो समान ज्ञान में आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। करेंट अफेयर्स भी आएगा, करेंट अफेयर्स 6-7 क्वेश्चन आएगा, तो एक एक करके सभी कंटेंट आप लोग 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। अभी देखिएगा तो यहाँ पर जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है उसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को अपडेट कर दिया, उसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो इस बार जो रिजल्ट दिया जाएगा इक्यू परसेंटाइल मेथड से, नॉर्मलाइज्ड इक्यू परसेंटाइल मेथड से अपनाया जाएगा, तो इसको लेकर हम आप लोगों को एक वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कैसे इसका आप लाभ लीजिएगा, जिससे आपको कम मार्क्स। देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आप किसी शिफ्ट में 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी में घट जाते हैं, लेकिन परसेंटाइल एक अलग चीज़ है, इसमें शिफ्ट वाइज रिजल्ट दिया जाता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की तरह नहीं प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम, इस बार गेट जो है 10:30 बजे ही बंद हो जाएगा, यानी 1.5 घंटे पूर्व ही यहाँ पर आप देखिएगा तो एग्ज़ाम का गेट जो है बंद कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप सभी को समय रहते ही सेंटर पर पहुँच जाना है, समय से आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना, अपने सीट पर बैठ जाना। इसके बाद देखिएगा यूज्ड OMR सीट जो रहेगा आपके सामने में उसको सील कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 4th नंबर पॉइंट में है कि OMR सीट क्वेश्चन बुकलेट के साथ ही आपको पेन भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी देखिएगा एग्जाम हॉल में इस बार कुछ भी चीज़ें आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर घर ही सब कुछ दीवार पर लगा ही रहेगा, तो यानी देखिएगा इस बार पूरे साफ सुथरे तरीके से परीक्षा होने जा रही है बहुत ही सख्ती के साथ, इसलिए आप सभी बस अभी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा किस बार क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, रिजल्ट ले लेंगे, तो फिर आपका समय ही बर्बाद होगा। अभी आपके पास जो भी 20 दिन का समय है, 25 दिन का समय, बस आपको रिविजन ही तो करना है, कटअप भी डाउन जाएगा, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसी का रिजल्ट आएगा, पूरी शक्ति के साथ परीक्षा होने जा रही है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिए जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए, और फुल तैयारी के लिए आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए।